पिछले 8 साल से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको टोटली फुली कम्प्रोमाइज किया गया इस सरकार के द्वारा जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, और चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, और खास बात जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे वो अपोजिशन के तौर पर कोई भी हो, उनको पॉलिटिकली टारगेट किया गया। राहुल गांधी जी को 5 दिन तक ईडी ने इंटरोगेट किया, कोई सवाल नहीं। वो उस केस के बारे में, इंटरनेशनल हेरल्ड के केस के बारे में, जो बंद किया जा चुका था, कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी, लेकिन उसको रिवाइव करके, क्योंकि सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते थे। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, उनको भी आज दूसरे दिन इस्तीफे से बुलाया गया, तो ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। और आज विशेष रूप से हम सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी की समाधि पर जाना चाहते थे, लेकिन वहां पर आने नहीं दिया गया, जाने नहीं दिया गया, परमिशन नहीं दी गई। अब गांधी जी की समाधि के ऊपर नहीं जा सकते सत्याग्रह करने के लिए।